कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास होगा ना, तो आप लोग अच्छी तरह से अर्न कर पाओगे, अच्छी तरह से चीज़ें समझ के ना इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फ्लेम बेस्ड। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीच सिलेक्ट करेंगे कैसे। अभी जो अमेजन एफिलेट प्रोग्राम के बारे में हम लोग जो सीख रहे हैं ना, एफिलेट मार्केटिंग के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ये मॉड्यूल के अंदर मैं आप लोग को देने वाला हूँ। और ऑलरेडी दो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुके हूँ, जाके अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइज, आज की जो वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे नीच सिलेक्ट कर सकते हो और उस नीच को आप लोग बेस करके आप लोग की जो प्रोडक्ट की रिव्यू वगैरह लिख सकते हो और उसे रैंक कर सकते हो। बेसिकली आप लोग की नीच आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग नीच सिलेक्ट करोगे और नीच सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उसकी जो कॉस्ट वगैरह देखोगे कितनी ज़्यादा आप लोग को मिलता है रेवेन्यू और अर्निंग मिलता है, एफिलिएट अर्निंग उसके अंदर मिल जाती है कितनी परसेंट की, उसके बारे में सारी की सारी एनालिसिस करने के बाद जो है आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट और उसके बाद आप लोग जो है ना आपकी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अमेजन के थ्रू हम लोग आज एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं। और अमेजन की जो लिस्ट होती है कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कितनी परसेंट आप लोग को मिलती है कमीशन, उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन लेंगे। कैसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोग को मिल जाएगी, तो वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और हेल्पफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने जो टेबल ऑफ कंटेंट का जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था, और इसके बाद हम लोगों ने अभी डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीड सिलेक्शन के बारे में। देखो, नीड सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोग को कौन सी चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा नीड होगी जो कि नीड सिलेक्शन करने के अंदर, उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो। गाइस देखो, नीच सिलेक्शन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक नीच को सिलेक्ट करना। देखो, यहाँ पे आप लोग को तीन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बेसिकली। देखो, यहाँ पे फर्स्ट थिंग होती है लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड। देखो, अगर कोई भी अगर ब्लॉग लिखते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, आपको लो कंपटीशन कीवर्ड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो पहले हमारे लिए लो कंपटीशन कीवर्ड रहेगा, उसके बाद हम लोग गुड कमीशनिंग रेट के बाद पास चलेंगे। देखो, गुड कमीशनिंग रेट कैसे आप लोग फाइंड करोगे उसके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं। पहले देखेंगे कि गुड कमीशन रेट किसके अंदर मिलती है, उस नीच को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड को उसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग को चाहिए कि गुड कमीशनिंग रेट कहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप अमेजोन को टारगेट कर रहे हो, तो चलो अमेजोन के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी उसकी जो चार्ट वगैरह देखने को मिलेगी सिंपल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रही अमेजोन की जो चार्ट, जिसके अंदर आप लोग को मिल जाती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट के अंदर कितनी बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है, कितनी एडवर्टाइजिंग फी आप लोग को मिलने वाला है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग जो है ना देख सकते हो। देखो, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप लोग को कोई भी एडवर्टाइजिंग फी नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रही ना, इसके अंदर आप लोग को कोई भी फी नहीं मिलने वाला है। और भी इसके अंदर अमेजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। देखो, अमेजन बाउंटी के अंदर देखो, यहाँ पे प्राइम पेड मेंबरशिप हो या अमेजन बिजनेस हो, अमेजन फ्री ट्रायल हो, ऑडिबल फ्री ट्रायल हो या ऑडिबल पेड मेंबरशिप हो, इसके अंदर आप लोग को डेफिनेटली मिलने वाला है कमीशन मिलने वाला है। देखो, जितने भी आप लोग कमीशन यहाँ पे देखो फिक्स रहती है। यहाँ पे देखो, अगर आप लिंक के थ्रू कोई भी बंदा खरीदता है ना पेड मेंबरशिप अमेजन की जो है ना, तो आप लोग को मिल जाती है 100 इंस्टेंट। उसके बाद अगर अमेजन बिजनेस को अगर आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई भी लेता है ना, तो 200 मिल जाएगी।
आपको। ओके, इसी तरह ऑडिबल फ्री ट्रायल भी अगर आप बेचते हो ना, सेल करते हो ना, अगर आप लिंक के थ्रू कोई भी बंदा खरीदता है ना तो उसे भी 150 मिलेगी। और अमेजन ऑडिबल पेड मेंबरशिप भी, ऐसी भी कुछ चीज़ें उसके अंदर भी आप लोग को 150 मिल जाएगी। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें रहती है जो कि आप लोग को डेफिनेटली एक अर्निंग सोर्स ये प्रोवाइड करती है, बहुत ह्यूज अर्निंग सोर्स ये प्रोवाइड करती है। तो हम लोग आप लोग को ये कुछ सिखा रहे हैं जो कि आप लोग एकदम से अच्छी अर्निंग कर सको। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास होगा ना तो आप लोग अच्छी तरह से अर्न कर पाओगे, अच्छी तरह से चीज़ें समझ के ना इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास आधा से कम नॉलेज होगी, आधा नॉलेज होगी, तो आप लोग की जो नॉलेज को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो, मॉड्यूल को कम्प्लीटली वॉच करो, अच्छी तरह मैं आप लोग को समझा रहा हूँ उसके बारे में, एकदम से कम्प्लीटली चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो, अगर वीडियो को शेयर नहीं करी है तो वीडियो को जाकर जल्दी से शेयर भी कर दो। देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये जो चीज़ को है ना टारगेट करने वाले हैं। देखो अगर अमेजन बाउंटी के प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो बेसिकली कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग को अच्छी अर्निंग इसके अंदर भी मिलने वाला है। बट ये जो कमीशनिंग रेट रहे ना, इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी अर्निंग भी मिलने वाला है। तो देखो बात में बताता हूँ आपको, एक अच्छी बात ये है अमेजन एफिलेट प्रोग्राम के अंदर, जो कि आप लोग को यहाँ पे ह्यूज अमाउंट की ट्रैफिक आप लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप लोग को यहाँ पे टारगेट ऑडियंस चाहिए। भले ही क्यों ना बहुत कम हो ट्रैफिक, भले ही बहुत ज़्यादा कम हो ट्रैफिक, बट आप लोग को टारगेट ऑडियंस चाहिए, जिसको आपकी जो ये जो प्रोडक्ट आप लोगों ने रिव्यू करी है, जिस प्रोडक्ट को आप लोगों ने शेयर करी उसके बारे में रिव्यू लिखी है, उस प्रोडक्ट की जो नीड है जिस लोगों को, वो लोग आके आप लोग की साइट से वो खरीदे, बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग को बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके अंदर, आप लोग को बहुत मिनिमम ट्रैफिक चाहिए, बहुत पिन पॉइंट ट्रैफिक चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए, जिसके मदद से आप लोग की जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो आप लोग इससे ही कैटेगरी को, इसी तरह से कैटेगरी को आप लोग को चूज करना पड़ेगा, जो कि आप लोग की जो हम लोगों ने बताई हुई है, आप लोग की जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होगी कम से कम 3000 से 20000 के बीच होना चाहिए। लेस प्राइस की प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो ना तो आप लोग की जो अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होगी, बट अगर आप लोग 3000 से 20000 के ऊपर से प्रोडक्ट को अगर सेल करवाते हो ना तो आप लोग की जो अर्निंग होना बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी तरह की चीज़ें आप लोग को यहीं से आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी प्राइस, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोग को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा है, और जिस कैटेगरी को आप लोग प्रमोट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट को आप लोग एक बार चेक करो कि वो प्रोडक्ट की प्राइस कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये जो एक कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी के अंदर आप लोग को जो कमीशन रेट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 8% है, ओके, जो कि बहुत अच्छी है। ओके, अगर आप यहाँ पे 10% को देखोगे ना, ये सारी चीज़ें आप लोग की जो मतलब सेल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप लोग ऐसी प्रोडक्ट देखने चाहिए आप लोग को, जैसे कि आप लोग की जो प्रोडक्ट की जो नीड है बहुत ज़्यादा होती हो और लोग उसे आसानी से खरीद पाए। देखो यहाँ पे फायर टीवी हो, अमेजन डिवाइस हो, इसे हर कोई बंदा नहीं खरीदता है, बट यहाँ पे जो हेल्थ केयर, ब्यूटी जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत सारे बंदे खरीदते हैं। तो आप लोग को पहले आप लोग की नॉलेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि कौन सी जो चीज़ है ना वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है, और लोग उसे अच्छी तरह से चाहते भी है, हर कोई बंदा उसे खरीद सके, उस तरह की यहाँ पे आप लोग को नीड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये जो कैटेगरी है ना ये आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, जैसे कि ज्वेलरी हो, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर वगैरह हो, इस कैटेगरी को भी अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हो तो बेसिकली कर सकते हो। देखो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट की रेट है ना बहुत ज़्यादा बहुत हाई होती है, तो इसीलिए इसका जो कमीशन रेट थोड़ी सी कम है। ओके,
तो अब बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप लोग ज्वेलरी वगैरह को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप उसके अंदर रिव्यू वगैरह लेके अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो बेसिकली ये दो कैटेगरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो कि हेल्थ ब्यूटी और ज्वेलरी। ओके, और उसके साथ ही अगर आप और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर उससे भी अच्छा कैटेगरी ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शूज़ वॉचेस, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है ये शूज़ वॉचेस बैग्स, ये जो एसेसरीज वगैरह और टॉय बेबी प्रोडक्ट, इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 8% से लेकर 9% के अंदर जो भी आप लोग को प्रोडक्ट देखने को मिलेगी ना, इस प्रोडक्ट के अंदर आप लोग जो है ना, आप लोग की नीड सिलेक्ट कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। गाइस देखो यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। तो बेसिकली आप लोग कैसे आप लोग की नीड सिलेक्ट करोगे अभी? देखो बेसिकली यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर पाओगी, जो अभी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगती है, जिस प्रोडक्ट के मुताबिक, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग कुछ नॉलेज होती है ना, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ आप लोग अगर लिख सकते हो ना, उस प्रोडक्ट को आप टारगेट करो। ओके, ना कि आप लोग कॉपी पेस्ट करोगी, ये करोगी वो करोगी, उस तरह से कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। आप लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करो, उसके हिसाब से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नीड्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को डोमेन वगैरह भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप, मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे तीन जो मेन पॉइंट होती है, लो कंपटीशन, गुड कंपटीशन रेट और प्रोडक्ट सेलिंग एट ए गुड प्राइस लाइक 3,000 to 20,000, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। और लो कंपटीशन की और मैंने जो आप लोग को बताई हुई है यहाँ पे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके गाइज, वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, और जो इसका जो सेकेंड पार्ट आएगी ना, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके मैं आप लोग को बताऊँगा, कम्प्लीटली अच्छी कीवर्ड में बताऊंगा आप लोग को, जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड होगा, और आप लोग को अच्छी खासी उसके अंदर विजिटर भी आने लगेंगे, उस तरह से कीवर्ड हम लोग आप लोग को बताएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग को जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन बताई हुई है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।